अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपके सामने स्टिच लेकर आई हूँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट क्लस्टर के नाम से। ठीक है, ये स्टिच बहुत अच्छा लगता है, टू कलर्स में ये स्टिच है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो है 24 चेन ली थी, उनके साथ मैंने 22 जो है ये डबल क्रोशिया तैयार की हैं। 22 डबल क्रोशिया वन लाइन, सेकंड लाइन में भी 22 डबल क्रोशिया हैं मेरे। ठीक है, यहाँ पर 22 डबल क्रोशिया मैंने सेकंड लाइन में भी कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने कलर चेंज करना है, उसके लिए मैं कलर लूँगी ये वाला। ठीक है, रेस्ट कलर लूँगी। इसके लिए सबसे पहले मुझे लास्ट में जो दो स्टिच रह गए थे मेरे डबल क्रोशिया, मैंने पूरा नहीं किया, हाफ लिया था। यहाँ पर मैं इसकी यूज चेंज कर दूँगी कलर को। ठीक है, कलर चेंज करके वन लूँगी सिंगल, थोड़ी चेन लूँगी वन, और इसको मैं पलट लूँगी। ठीक है, इस तरीके से। और फर्स्ट जो है मेरा, उसमें लूँगी मैं सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है ये मेरा क्लस्टर जो है, फर्स्ट वाली रो जो है छोड़ देनी है, सेकंड रो में से हम इस तरीके से लेंगे। ठीक है, पहला हम छोड़ देंगे इस तरीके से चेन, सेकंड लेंगे हम ये। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पोस्ट फर्स्ट जो है आ गया। हमारे स्टिच यहाँ दो हो गए हमारे क्रोशिया में। ठीक है, सेकंड हम लेंगे इसके साथ वाले फ्रंट पोस्ट ही लेंगे, ऊपर वाली रो ने नीचे वाली जो पहली हमने बनाई थी उसमें इस तरीके से वूल को थोड़ा खींच लेंगे। और यहाँ पर हम अगेन लेंगे, पहले दो स्टिचेस जो हैं वो निकाल देंगे, सेकंड टू जो है वो भी निकाल देंगे। हमारे पास ये तीन स्टिच हो गए, वन मोर लेंगे हम इस तरीके से। थर्ड वाला फर्स्ट स्टिच जो है ये देखें, ये दो स्टिच के साथ हमने काम करना है। ये फर्स्ट हम निकाल दिए स्टिच, सेकंड हमारे पास टू हो गए, इन टू को भी निकाल दिया, हमारे पास वन रह गए। ठीक है, अभी हमारे पास कितने, वन टू थ्री फोर स्टिच हैं, तो फोर स्टिच को हम क्या करेंगे इस तरीके से एक साथ ही निकाल देंगे, ये क्लस्टर हमारे पास आ जाएगा। अब बैक से जो हम क्या करेंगे ये देखें, बैक जो है हमारे पास यहाँ हमने ये लिया था, उसके बाद ये जो है फर्स्ट इसका स्किप कर देंगे, ये एक हम स्किप करके सेकंड वाले में यहाँ सिंगल क्रोशिया लेंगे, वन एंड टू ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगेन लेंगे, इसके साथ वाली लेंगे हम डबल क्रोशिया, उसमें से वन एंड टू, सेकंड वाले में से फ्रंट पोस्ट लेंगे इस तरीके से। ठीक है, थर्ड वाले में से लेंगे फ्रंट पोस्ट, ठीक है हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सबको एक साथ ही क्रोशिए से निकाल देंगे इस तरीके से। और बैक से देखेंगे स्टिच छोड़ के, इधर हम लेंगे वन एंड टू डबल क्रोशिए। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हम लेंगे फ्रंट पोस्ट वन, टू, थ्री। ठीक है, बैक से देखेंगे हम और इस तरीके से। ये फ्रंट पोस्ट क्लस्टर है। ठीक है, अगेन हम लेंगे
यहाँ से दोबारा फ्रंट पोस्ट हाफ लेग में सेकंड फ्रंट पोस्ट हाफ, थर्ड फ्रंट पोस्ट हाफ। अब इनको सारों के कट्ठों को इस तरीके से क्रोशिया से निकाल देंगे और बैक से छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में से टू द सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से नेक्स्ट लूस्टर लेंगे, हाफ लूस्टर के लिए फ्रंट पोस्ट लेंगे, सेकंड फ्रंट पोस्ट लेंगे एंड थर्ड फ्रंट पोस्ट। हमारे पास टोटल फोर स्टिच, 1 2 3 4, इनको इकट्ठा निकाल देंगे इस तरह। और नेक्स्ट जो हम लेंगे टू सिंगल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। इसी तरह लास्ट ही हमारे पास जो रहेगा हम क्लूस्टर लेंगे हाफ, सॉरी क्लूस्टर कह रही हूँ, फ्रंट पोस्ट लेंगे हाफ क्लूस्टर के लिए, 1 2 एंड 3, सब एक साथ निकाल देंगे। और लास्ट में हमारे पास जो रह गए हैं सिंगल क्रोशिया, यहाँ से निकाल देंगे ये इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टू स्टिच रह गए हैं, इनको हम कलर चेंज करना है, हमने वाइट कलर चाहिए हमें, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा हमारा, 1 2 3 को पलट लेंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे और स्टिचेस में से सब स्टिच किया है उनमें से डबल क्रोशिया लेके ये रो हम कंप्लीट करेंगे पूरी। मैं अभी आपको डिज़ाइन भी दिखाती हूँ कैसा लगता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जिनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा काम पसंद आ रहा है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और साथ साथ कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो चलें ये मेरा कम्प्लीट होने वाला है, तो जैसे ही कम्प्लीट होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्टिच कैसा लगता है। ये स्टिच भी बहुत प्यारा लगता है, 2 कलर्स में 3 कलर 4, आप बेस इसकी वाइट करके ऊपर जो दोबारा इसको बनाएंगे वो कलर और चेंज कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो दोबारा कलर चेंज कर सकते हैं, या बेस का कलर भी साथ साथ आप चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्ज़ी इसको बनाएँ। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये कम से कम 2 कलर्स के साथ तो बनाए तो बहुत अच्छा लगे, 1 कलर के साथ भी बन सकता है लेकिन 2 के साथ ज़रा थोड़ा ज़्यादा नुमाया हो जाता है, ठीक है। 1 कलर के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जैसे आप चाहें इससे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनेगा, आप देख रहे हैं, ये बहुत प्यारा लगता है, ये बन के बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसके लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि मैंने ये सिंगल रो ऊपर की है डबल क्रोशिया की, इस तरह वाइट डबल रो एक और आप करके ऊपर, तो उसके ऊपर दोबारा ये डिज़ाइन बनाए। हर रो जो डिज़ाइन आपने ये बनाना है, क्लूस्टर बनाना है, उसके लिए इससे नीचे हमें 2 लाइनें जो हैं वो करनी पड़ेंगी सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया की, डबल क्रोशिया की 2 लाइंस करके अगेन ये हम बना लेंगे डिज़ाइन, फिर 2 लाइंस जो है वो डबल क्रोशिया करके अगेन ये डिज़ाइन बनेगा। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, कलर जो से मर्ज़ी आप यूज़ करें, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलें आप मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।